बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई के साथ खेल भी उतना ही जरूरी है। इसी थीम पर काम करते हुए शुरुआत सामाजिक और शैक्षणिक संस्था सेंस ने 14 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया। सोमवार को शिविर का समापन किया गया। इस अवसर पर शिविर में भाग लेने वाले बच्चों ने पखवाड़े के दौरान खेल और कला की बारीकियों को सीखकर अतिथियों और अपने अभिभावकों के सामने प्रदर्शन किया। शुरुआत सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था की अध्यक्ष शबीना शेख सिद्दीकी ने बताया कि शिविर में बच्चों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए रीडिंग राइटिंग के साथ ही खेल म्यूजिक आर्ट एंड क्राफ्ट की बेसिक जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी गई है। शिविर के दौरान खेल गुरु शेख रशीद, खेल और युवा कल्याण विभाग के NIS टेनिस कोच अमीन अहमद शेख, टेनिस कोच नवले, खेल और युवा कल्याण विभाग की कबड्डी कोच दुर्गा वास्कले, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर शेरी यादव, शतरंज के खिलाड़ी पंकज जैन, म्यूजिक टीचर रविचंद्र जोशी ने बच्चों को अपनी विधाओं की प्रारंभिक जानकारियां प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट खंडवा। प्रभारी आसिफ अली सिद्दीकी जी हैं और उनकी जीवन संगिनी शबीना सिद्दीकी जो इस स्कूल की प्राचार्य हैं वे हैं, और कुछ ही देर में राष्ट्रीय कोच रशीद अहमद जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। उनके आते ही हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज का जो ये कार्यक्रम है ये दो हिस्सों में है। एक हिस्से में तो आपको अपनी प्रस्तुति देने का अवसर है और दूसरे हिस्से में आपको प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, मतलब सर्टिफिकेट्स। ये सर्टिफिकेट्स को बेटा संभाल कर रखना, ये आप लोगों के जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है कि आप बचपन में ही कुछ सीख गए। जैसे मुझसे कोई कहता है कि गाना कब से गा रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि 50 साल से। तो वो गौर से देखता है कि आपकी उम्र कितनी है, उम्र 54 साल की है, तो फिर कैसे 50 साल हो गए। मैं बोलता हूँ 3 साल की उम्र में जीता हुआ पहला प्रमाण पत्र और पहला पुरस्कार मेरे पास रखा हुआ है, वो सबूत है इस बात का कि 3 साल की उम्र में मंच पर पहला पुरस्कार मैंने जीत लिया था, तब से मैं सक्रिय हूँ। तो ये जो आपका भी 3-4 साल की आयु में बना हुआ सर्टिफिकेट है, ये आपको जीवन भर एक गर्व का मौका देता रहेगा कि इतनी छोटी उम्र में हमने किड्स गैलेक्सी स्कूल में समर कैंप में एक सर्टिफिकेट जीता था और एक एक्टिविटी की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सर्टिफिकेट है। पेरेंट्स से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रमाण पत्र को जरूर संभाल कर रखें, क्योंकि आप जैसे हमारे घर में विवाह होता है तो बहुत दिनों तक उसकी सीडी फोटो देखते रहते हैं, लोगों को भी दिखाते रहते हैं, और बच्चा कोई भी हमारे घर में छोटा तो कोई बड़ा आया तो उसको बोलते बेटा सुनाओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम्प्टी डम्प्टी, है ना। तो ये ऐसा बच्चों से हम बुलवाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं कि हमारे बच्चे ने अपने बचपन में इस तरह का पुरस्कार जीता था। ये प्रमाण पत्र आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, इसको जरूर संभाल कर रखिएगा। और यहाँ जो आपने सीखा है 15 दिनों में, इसको कंटिन्यू कीजिएगा, इसको ब्रेक मत कीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपकी कला में निखार आता जाएगा, परिष्कृत होते जाएंगे। इसलिए जरूर इसको कंटिन्यू रखिए। जिस भी विधा में आपकी रुचि है, आपकी गायन में रुचि है, आपकी नृत्य में रुचि है, आपकी खेलकूद में रुचि है, आपकी लिखने में रुचि है, आपकी पढ़ने में रुचि है, जिस भी फील्ड में आपको अच्छा लगता है उसमें आप अपना शौक कायम रखिएगा, क्योंकि आजकल सिर्फ पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। आजकल आपके पास एक स्किल होना बहुत जरूरी है, एक हुनर होना बहुत जरूरी है। अगर आप में हुनर है, आप सुनते हैं सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? सुना है। क्या करते हैं सचिन तेंदुलकर? क्रिकेट खेलते हैं। अब आपको पता है 10वीं पास है वो सचिन तेंदुलकर, सिर्फ 10th पास है। आप सब कंप्यूटर पर काम करते हैं, आपने कंप्यूटर देखा है सब लोगों ने, एक माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम होता है विंडोज, उसको बनाया बिल गेट्स ने, वो तो 10वीं भी पास नहीं हुए थे, 10वीं फेल हो गए, स्कूल छोड़ दी और कंप्यूटर में लग गए, और आज विश्व के सबसे करोड़पति लोगों में, मतलब सबसे ज्यादा धनी लोगों में। मंच और उपस्थित सभी अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा केवशन ही है छोटे बच्चों का घर जैसा स्कूल, तो हम यहाँ बिल्कुल कोई भी कार्यक्रम औपचारिक नहीं रखते, हमारे सारे कार्यक्रम बहुत ही अनौपचारिक होते हैं और जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्व अपने लोगों को इसलिए देते हैं कि हमें बाहर से किसी से ये मतलब नहीं है कि हमें बहुत औपचारिकता निभानी है। फूल हार स्वागत ये सारा कुछ हमारे यहाँ कम से कम ही होता है, और हमारे अतिथिगण भी हम ऐसे ही बुलाते हैं जो हमारे बच्चों के साथ इतने घुल मिल जाते हैं। जैसे कि अभी प्रफुल भैया ने आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि अगर मैं किसी बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाती तो वो आप लोगों को इतनी चीज़ें समझा पाता। दूसरा ये जो सुझाव है ये प्रफुल भैया और पंकज सर का ही था कि बच्चों ने जो कुछ किया है, कैंप तो हमने गत वर्ष भी लगाया था वो भी अच्छा ही रहा था, पर गत वर्ष की तुलना में इस बार अभिभावकों ने भी रुचि दिखाई, ये सबसे अच्छी बात है।
और प्यारे बच्चों अपने मम्मी पापा के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और इनका सुझाव ये था कि माता पिता भी तो ये देखें कि उनके बच्चों ने क्या किया है। ठीक है, मैंने बच्चे के हाथ में बच्चा टेनिस खेल रहा है, सीख रहा है, हमारे साथ जो उनके श्री सर हैं, कोच हैं, स्पोर्ट्स टीचर उनके, वो सारी चीज़ें दिखाते थे, सिखाते थे, कबड्डी कोच, इस बार हमने ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को महत्व दिया। तो ठीक है, बच्चों ने तो सीखा, पर उनके मम्मी पापा भी तो ये देखें कि वाकई बच्चे ये कर पा रहे हैं या नहीं। कई माता पिता थे जो बाकायदा फ़ोन करके ये बताते थे, बच्चों की वीडियो बनाते थे और मुझे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भेजा है ये दिखाने के लिए कि देखो हमारा बच्चा आपने जो एक्सरसाइज करवाई है, जो चीज़ें सिखाई है, जैसे हमने बच्चों को गुड हैबिट्स और बेड हैबिट्स ये भी सिखाया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ है प्रेरणा, खड़ी प्रेरणा, ये है प्रेरणा जो अभी फिफ्थ स्टैंडर्ड में गई है। इसके वापसी का साधन नहीं था हमारे में ये संस्कार, तो सर ने उनको वापस छोड़ा है घर तक सिर्फ इसलिए कि उनके मम्मी पापा इंटरेस्टेड थे कैंप के लिए और इस बार हमारी ऑटो सुविधा नहीं हो पाई थी। तो ये बच्चे जो है सर के साथ घर जाते थे और जब हमने इनको गुड हैबिट्स बेड हैबिट्स सिखाई तो उसमें हमने ये चीज़ सिखाई थी कि अच्छी बातें ये है कि मम्मी पापा का साथ देना चाहिए, गाड़ी चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, मम्मी पापा फोन पे बात करें तो मना करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये रही जब सर इनको घर छोड़ने जा रहे थे और सर के पास फोन आया और सर ने फोन पिक किया तो वैसे ही तीनों बच्चों ने एक साथ कहा कि सर ये बेड हैबिट होती है, गाड़ी पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जब सर से आगे ये बात बताई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर ये बच्चे सर को ये बोल सकते हैं तो ये जरूर अपने मम्मी पापा को भी बोल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।